काफ़ी अच्छी हैं, आई मीन फिल्म पर अवार्ड्स हैं, स्टाइल अवार्ड्स हैं, तो मज़ा आता है कि स्टाइल एंड ग्लैमर के लिए भी अवार्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एंड तो या एक्साइटमेंट रहता है ऐसे शोज़ में, ऐसे अवार्ड शोज़ में आने के लिए, एंड या जी 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 अभी मैं सेट से ही आ रहा हूँ, पहला स्केड्यूल अभी बस ख़त्म हुआ है अतिथि इन लंडन का, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है परेश जी के साथ शूट करके, एंड काफ़ी अच्छी मतलब फिल्म हो रही है, अश्विनी धीर सर डायरेक्टर है जिस फिल्म की, सो आई एम लविंग इट, एंड या इट्स बीन अ नाइस एक्सपीरियंस, अभी बस रैप करके आ रहा हूँ इनफैक्ट फर्स्ट शेड्यूल, सो लेट्स सी। फिल्म में और कौन कौन है? फिल्म में देखिए परेश जी हैं, बाकी कृति खरबंदा हैं जो, और उसके अलावा मतलब ये मेन कास्ट ये है, तन्वी आजमी जी हैं, एंड एंड या अ लॉट ऑफ एक्टर्स आते हैं इन द फिल्म। जी मतलब मेरी कोई समझ इसमें एज एन एक्टर मैं तो बस अपना काम करना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं इस चीज़ में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए फिल्म को रिलीज़ ना करना एक अलग सिचुएशन आ गया, वो चीज़ मेरे को नहीं समझता कि वो पहले की चीज़ है, जो चीज़ हो चुकी है, फिल्म ऑलरेडी शूट कर चुके हैं वो चीज़ को, एंड आई थिंक वो रिलीज़ हो या उसका रिलीज़ रोकना वो एक मतलब मैं उस चीज़ से इतना सहमत नहीं होता। थैंक यू। आई थिंक इट एड्स, समटाइम्स इट एड्स, आई मीन कई बार जब छोटे छोटे रोल भी हम एक्ट्रेस करते हैं, बड़े एक्ट्रेस करते हैं, वो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसलिए उनको उस चीज़ के लिए लिया जाता है, स्पेशल अपीयरेंस इसलिए होता है, तो ऐड होता है, ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ भी नेगेटिवली ऐसे ही बिना बात के ऐड कर रहे होते, हर चीज़ का एक लॉजिकल रीज़न होता है, तो आई एम श्योर कि इट एड्स टू द होल फिल्म। थैंक यू सो मच।